हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ए प्लस के एम्पलीफायर के बारे में। और जैसे आपको देखने को मिल चुका होगा एम्पलीफायर, तो इस एम्पलीफायर का मॉडल नंबर VAP5000X, ये आपका मॉडल में देखने से पता चल जाती है आपका कितने वोल्टेज का होगा। जी हाँ, ये 5000 वोल्टेज का एम्पलीफायर है। चलिए आगे बात करेंगे इसका लोड कैलकुलेशन के बारे में। और आप लोग सोच रहे हैं कि ए प्लस का और भी कुछ आता है कि नहीं, मतलब मॉडल आता है एम्पलीफायर टॉप बॉक्स वगैरह आता है कि नहीं आता है। तो जी हाँ, ये आपका टोटल सीरीज मतलब टोटल चीज़ आता है, जो कि एम्पलीफायर बेस स्पीकर हॉर्न वगैरह सब कुछ ए प्लस का भी आता है। और आप लोग चाहते हैं कि इसके ऊपर और वीडियो बनाया जाए तो मुझे कमेंट कर जरूर बताएगा, तो इसके हिसाब से मैं और भी वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एम्पलीफायर आपका न्यू लुक और न्यू डिज़ाइन के साथ देखने को मिल जाता है। एम्पलीफायर इसका देखिए, आपको आपका जो कि इंडिकेटर आपको देखने को मिल जाता है, लाइट वगैरह सब कुछ देखने को मिल जाता है, छोटा सा आपका डिस्प्ले भी देखने को मिल जाता है। तो फिलहाल तो मैं सब नहीं बताऊंगा, तो चलिए सिंपल इसका लोड कैलकुलेशन के बारे में बात करेंगे, जो कि आउटपुट के बारे में। तो इसका आउटपुट के बारे में जो कि बात करेंगे, जो कि 8 ओम में, तो 8 ओम में आपका पर चैनल आपका 1300 वाट लोड दे देता है, और 4 ओम में आपका 2000 वोल्टेज का लोड देता है पर चैनल, और 2 ओम में बात करें तो 2500 वाट का पर चैनल लोड देता है, जैसे मैं पहले मतलब बता दिया था, जो कि 5000 वोल्टेज का है, तो पर चैनल 2500 वाट दे देता है। और इसका डैम्पिंग फैक्टर की बात करेंगे, जो कि 700 है, तो इसमें आप बेस भी चला सकते हैं, इसमें बेस भी आपका बच जाएगा। और इसका नेट वेट आपका 38 kg लगभग होगा। तो चलिए फिलहाल आपको इतना स्पेसन देखने को मिल जाएगा। अब चलते हैं आगे स्पेसन की ओर, मतलब डाइट पॉइंट बात करेंगे, जो कि इसमें किस तरह बेस और किस तरह टॉप बजा सकते हैं। तो चलिए, इस एम्पलीफायर का आउटपुट आपको पता चल गया, जो कि पावर आउटपुट, और इसमें आप किस तरह बेस और किस तरह टॉप बजा सकते हैं पर चैनल। तो चलिए बात कर लेता हूँ। देखिए, इसमें आपको पर चैनल आपको 1300 वाट आपका 8 ओम में दे देता है, तो आप इसे 1200 लेकर या 1300 वाट का कोई भी बेस बजा सकते हैं, एक एक का, मतलब एक चैनल में एक बेस और दूसरा चैनल में एक बेस, मतलब 1200 लेकर 1300 वाट का कोई भी बेस बजा सकते हैं। और चले 4 ओम में, तो 4 ओम में भी आप बेस बजा सकते हैं, जो कि दो बेस, जो कि 8 ओम का दो बेस लीजिए, उसे पैरेलल कीजिए, वो आपका 4 ओम आ जाएगा। तो पर चैनल आप मतलब 4 बेस इसमें बच जाएगा, मतलब दो 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 करके 4 बेस इस एम्पलीफायर में बच जाएगा। तो इसमें 1000+1000 वोल्टेज का दो बेस होना चाहिए, तो पर चैनल आप मतलब 1000+1000 वोल्टेज का पर चैनल लोड दे सकते हैं, मतलब बजा सकते हैं। चले और आगे बात कर ले, तो जो कि 2 ओम में, तो मेरे हिसाब से 2 ओम में आप बेस मत चलाइए, इसमें आपको ओनली आपको रिकमेंड होता है, जो कि टॉप बॉक्स के लिए, जो कि 15 इंची का, और जो कि बेस आपका 8 इंची का आता है, तो इसमें आपको देखा टॉप बॉक्स के लिए आप मतलब ये आपका 2 ओम के लिए, तो इसमें सिंपली आप दो दो मतलब एक एक पेयर कीजिएगा, जो कि पर चैनल के लिए, मतलब इसमें 4 टॉप इसमें बच जाएगा इस एम्पलीफायर में। अलग अलग चैनल में आपको 2 टॉप, इधर भी 2 टॉप, मतलब दो दो करके 4 टॉप इस एम्पलीफायर में बजा सकते हैं। तो कितने वोल्टेज के स्पीकर होना चाहिए तब इसमें बजेगा, तो सिंपल देखिए, इसमें आप लगभग 600 वाट का मतलब 4 स्पीकर लगा सकते हैं, जो कि 6 4 2400, मतलब 2400 वाट का पर चैनल आप लोड दे सकते हैं, जो कि 100 वाट के हेडरूम रहेगा। तो इसमें भी अच्छा खासा आपको साउंड क्वालिटी प्रोवाइड करेगा और आपका अच्छा भी बजेगा। तो इस तरह आपको वोल्टेज के हिसाब से आपको बेस और टॉप बजाना चाहिए, जो कि मैं बता दिया हूँ। और चले बात कर लेता हूँ इस एम्पलीफायर का प्राइस क्या होगा, तो मैं इस एम्पलीफायर का प्राइस नहीं बता सकता। और इस एम्पलीफायर का प्राइस अगर जानना चाहते हैं तो मेरे वेबसाइट में जाइए, www.djkumarblog.live, या मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहाँ से आप जाकर क्लिक कर सकते हो, देख सकते हैं। लेकिन इस एम्पलीफायर का 2 दिन बाद आपको पोस्ट होगा, तो इसका भी प्राइस मैं दे दूंगा, तो लेकिन फिलहाल मैं अभी नहीं बता सकता हूँ। तो चले, और आप लोग किस चीज़ का वीडियो चाहते हो मुझे कौन जरूर